हेलो फ्रेंड्स, एमएस कोडर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे किस तरह से हम अपने एचटीएमएल के जो पेज होते हैं वहाँ पर इनपुट टेक्स्ट की फील्ड लगा सकते हैं, यानी कि यूजर से हम कोई भी नेम या कोई भी उसका पासवर्ड ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, टेक्स्ट फील्ड लगाने के लिए हम एक टैग यूज़ करते हैं, इनपुट टैग। तो इनपुट टैग हम यहाँ पर ले लेते हैं इस तरह से। और यहाँ पर देखिए, इनपुट टैग के अंदर हमें कुछ एट्रीब्यूट देने होते हैं। अगर हम सिंपल यहाँ पर कोई नाम ले रहे हैं, इनके स्ट्रिंग में कुछ भी चीज़ ले रहे हैं, तो यहाँ पर हमें टाइप टेक्स्ट ही रखना है। और यहाँ पर जैसे मैं इसको इसी तरह से आपको रन करा कर दिखाता हूँ, तो अगर देखिए मैं यहाँ पर रन करता हूँ, तो यहाँ पर सिंपल एक इस तरह से टेक्स्ट बॉक्स आ गया। मैं इसके साइज़ को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, तो देखिए यहाँ पर इस तरह से एक टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा। और अगर आप यहाँ पर कुछ मैसेज देना चाहते हो, तो आपको इनपुट के अंदर ही यहाँ पर एक एट्रीब्यूट होता है, प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर कर एक एट्रीब्यूट होता है, यहाँ पर जो भी मैसेज आप देना चाहते हो यहाँ पर मैसेज दे सकते हो। तो यहाँ पर एक मैसेज दे सकते हैं हम, एंटर योवर नेम। और इसको सेव करने के बाद यहाँ पर आकर अगर हम रिफ्रेश करेंगे, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक मैसेज आ जाएगा, एंटर योवर नेम। और यहाँ पर हम कोई भी एक मैसेज प्रिंट कर सॉरी नेम एंटर कर सकते हैं। और इसके और भी एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे अगर हम यहाँ पर अपना नाम भी डाल सकते हैं इस तरह से, यूज़र नेम। जैसे हम यहाँ पर ले सकते हैं यूज़र नेम, और इसको सेव करने के बाद यहाँ पर आकर हम इसको इस तरह से रिफ्रेश करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा यूज़र नेम। और यहाँ पर इस तरह से एक टेक्स्ट फील्ड बन जाएगा। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। और अगर इस वीडियो से आपने कुछ नया सीखा है, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।